नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा टमाटर का होलसेल बिजनेस कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक देखें तो आपको मालूम हो जाएगा टमाटर का होलसेल बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं टमाटर का होलसेल बिजनेस। दोस्तों टमाटर का होलसेल बिजनेस कई तरह का कर सकते हैं, बहुत तरह का टमाटर का होलसेल बिजनेस किया जाता है। तो मैं बताऊँगा आपको अगर मंडी में करना चाहे होलसेल का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। मंडी में होलसेल बिजनेस करने के लिए टमाटर का, तो आपको वहाँ पे एक सबसे पहले एक ठिया लेना होगा जहाँ पे आपको बैठ के बेचेंगे, या एक तराजू बटखरा का जरूरत पड़ेगा जिसमें आप तौल के बेचेंगे। अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो मंडी में टमाटर का होलसेल बिजनेस, वहाँ क्या होता है कि आपको एक ठिया लेना होगा जहाँ पे आप बैठ के बेचेंगे, क्योंकि मंडी में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि कौन आपको जगह देगा। उस हिसाब से आपको थोड़ा आरती, जो मंडी का आरती होते हैं या फिर मंडी समिति होते हैं, उनसे आपको बात करके अपना एक ठिया लेना होगा जहाँ, जिसको बोलते हैं दुकान, या फिर फुटपाथ पे बैठ के आप बेच सकते हैं। इसलिए आप इस काम को आपको पहले करना होगा अगर आप चाहते हैं मंडी से, मंडी में अगर होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं आप टमाटर का। इसके बाद आपको टमाटर ख़रीदना होगा मंडी में। जैसे कि आपने ख़रीदा टमाटर आरती आरत वाले से, मान लीजिए आपने 40 रुपये किलो तक टमाटर ख़रीदा, उसी टमाटर का आप जो मंडी में सुबह सुबह होता है उस टाइम आप 60 रुपये किलो या फिर 64 रुपये किलो तक बेच, किस तरह से आपने शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा महंगा ही बिकता है टमाटर सब्ज़ी, क्या होता है कि सुबह सुबह मार्केट में सस्ता नहीं बिकता, महंगा बिकता है। जैसे कि आपने 40 रुपये किलो तक टमाटर ख़रीदा, उसी टमाटर का 320 रुपये या फिर 300 रुपये का 5 किलो बेच, किस तरह से अपना शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि या फिर आपने मान लीजिए किसी भी भाव में टमाटर ख़रीदा, उस टमाटर को आप 10 रुपये किलो या फिर 8 रुपये किलो का मार्जिन रख के बेच के अपना इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मंडियों में ऐसे ही भी होता है बिजनेस, मार्केट ऊपर नीचे तो होते रहते हैं सब्जियों का, तो इसमें कच्चा माल इसी तरह का लगभग बिकते हैं। 10 रुपये किलो मार्जिन रख के, 8 रुपये किलो मार्जिन रख के, या फिर कभी कभी होता है कि 20-20 रुपये आपको मार्जिन मिल जाता है। क्योंकि मंडियों में कोई भरोसा नहीं होता, मंडी में माल कम आ गया तो मान लीजिए आपका ज़्यादा महंगा बिकने लगता है, या फिर माल ज़्यादा आ गए तो फिर टमाटर सस्ता बिकने लगता है। इस तरह से अपना बिजनेस को